तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ वो है अगेन ताहला अंजुम की वीडियो और इसका टाइटल है कराची मेरा। और सही बात बताऊँ तुम लोगों को पता है कि मैं कितनी बड़ी फैन हो रही हूँ यंगस्टर्नर्स की, और तुम लोग जितने भी इनके यंगस्टर्नर्स के सॉन्ग पे रिएक्ट करी उतना ही तुम मुझे कह रहे हो कि वंशिका इस सॉन्ग पे रिएक्ट करो, सॉन्ग पे रिएक्ट करो। सो तो मैंने सोचा कि भाई मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो फिर देखते हैं आज का गाना कैसे होने वाला है। और मतलब मैं ना इसको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि शायद मुझे नहीं पता था कि जो अंजुम है वो ऐसे बिलोंग करते हैं कराची से, और इस गाने में बेसिकली इन्होंने कराची को ही रिप्रेजेंट करा है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं उन्होंने क्या बोला है कराची के बारे में, क्या पता उन्होंने अपने बचपन की यादें बोली हो कि उन्होंने कराची में क्या क्या किया। तो मैं इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। सो तुम भी देखो, मैं भी देखती हूँ। लेट्स स्टार्ट। कराची ही मेरी पैदाइश थी, कराची ही मेरी रिहाइश थी, प्रीडी पुलिस लाइन से नुमाइश चौक, कराची भी एक आजमाइश थी। पढ़ते थे फायर इधर हर तरफ, भाई लोग की अपनी रिवाइश, बात करते थे वो बाद में, उनको लंदन से हिदायत थी। मैं जाता लंदन, पीता हूँ वेलायती, साथ ही माइती, फैक्स छोटे फैक्स, मैं नहीं कर रहा कोई गायकी, ये अकड़ तुझ में गायकी। मैं 16 साल की उम्र में दे चुका दादे को गुसल, शिट वाज रियल मेरे लिए उस दिन से। जिगर तू किधर है, मैं सीधा फ्यूरर से पेप्सी, भाई किधर है तू, क्या हम जिधर है क्या उधर है तू, अगर उधर नहीं तो उधर ही रह, जिधर है तू, समझाना ये। सालों साल से जो साथ उनको शार आउट, तुम नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो नो डाउट। वाह, गेम होता काफी बेसिक, बड़े बोल से तौबा, बट लेट्स फेस इट, इन्होंने नहीं बनाए गाने ज़ैनब पे, इन्होंने नहीं उठाए मिलियन ऑर्गेनिक, मैं लीनियंसी दे रहा इस टेप पे, कहने को बहुत कुछ है लेकिन छोड़ रहन दे, गैब के खेल है ये समझ तुझे आए ना, मैं भी तो हूं ना इस मुआशरे का आईना। मुल्ला हिज़ा फरमाए मेरी कलाकारी, I cut you motherfuckers हाथ में मेरे कुल्हाड़ी, लकड़हारे की तरह मुझे मिली एक परी, मैंने मांगा नहीं कुछ, ख्वाहिशें हैं मुर्दा मेरी। नशा मेरे खून में था, मेरे बैग में थी सिगरेट और मैं स्कूल में था, बाप से कुट पड़ी पर मैं सुधरा नहीं, लाख कांड किए माँ कहती मैं बुरा नहीं। मैंने बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा लिखा, जो तुझे बुरा लगा वो सब मैंने जी के देखा, हर कड़वा घूंट मैंने पहले नीट पी के देखा, सीखे दिखा, जो फटा है तू सीखे दिखा, तू लेके दिखा, भाई तेरा है तो लेके दिखा, मुझे चढ़ाने वाले मेरे गवाह रहे गवाह, मेरे दर्द की नी दवा, मौला मदद कर, तेरा आसरा तो किसी से ना लगे डर। कराची मेरा, कराची मेरा, वाह यार, मेरी हसल रुके नहीं नहीं, सालों साल से मैं यही, कराची मेरा, कराची मेरा, कराची मेरा, मेरी हसल रुके नहीं नहीं नहीं, सालों साल से मैं यही। पत्थर उठा नीचे रैपर ऐसा दौर है, खाली बर्तन सारे बिला वजह शोर है, जोर है कायम लाले आज भी, दुनिया बड़ी भैंचोद, always trying to dodge me, जिंदगी सजा हुई, अनहोनी हो गई, जो होनी थी वो ना हुई, जिंदगी सजा हुई, किस जुर्म की ये बता, God I need a miracle, I believe in मौजज़ात, मकफाते अमल, that shit is real son, I'm running laps on this beat like I'm Hamilton, envious, rappers हो रहे envious, छोड़ो भाई, I won't even state the obvious, real hip hop is dead, I'm just a ghost bro, I'm friendly though, तो हम बन सकते हैं दोस्त bro, appropriate, गाने नहीं appropriate, I pull up like Taliban, तुम भागो like Soviets, knowledge is power, I'm politically knowledgeable, when I take shots, I leave rappers inhospitable, it's hard to deal with, all the shit I've been through, give me some space, let a real rapper come through, shout out to the fans, जो है साथ पहले दिन से, loyalty is everything, हम साल नहीं गिनते, अगर मैं ना बचा तो कह देना मैं लड़ा था, ना कहना बेवफा, मैं वफा में ही मरा था, मैं जरा सा भी रह नहीं सकता off guard, this is Karachi, you never know when shit pops, अगर मैं बचा तो मैं शायद जीता रहूंगा, अगर मैं ना बचा तो सदा जिंदा रहूंगा, अगर मैं ना बचा तो मैं
कुछ बहुत ही अलग लाए इस बार अंजुम, सीरियसली। अगर मैं ना बचा तो क्या देना, मैं लड़ा था मैं डरा नहीं, अगर मैं मर गया तो गवा रहना, मैं वफा में मारा गया नहीं, मैं बेवफा नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं, कोई फर्क नहीं तेरे में और मेरे में, हम दोनों ही उदास, कोई हमें कभी समझाई नहीं। God damn it, तू भी मेरी तरह था शुरू से बुरा नहीं, गुड किड कहाँ गई वो फरमा बरदारी, जेबों से निकले मंशियात, पोपो ले तलाशी, but I would never flip on my brothers, fuck the kashi, and I don't pay for sex, मेरे बिल पे नहीं फराशी, रूपोश, ये राज मुझ में रूपोश, I want to be the best goalie in that blue shirt, true told, grip tight, stronghold, कराची मेरा, दिल से ये बात बोलूं लाला, मेहनत का हिसाब कोई नहीं, किसी से सीखा नहीं, hip hop में मेरा बाप कोई नहीं, जिधर है नाम मेरा उधर तेरा नाम कोई नहीं, बेरोजगार फिरे मिले तुझे काम कोई नहीं, कंपटीशन कोई नहीं, जैसे गेम जाती मेरा, put it on my grave, bold में कराची मेरा, yeah, ऐसा लगे मुझे जैसे गेम जाती मेरा, मेरी कबर पे भी लिख देना कराची मेरा, yeah, वाह बहुत ही ज्यादा अच्छा, कराची मेरा, you already know man, कराची मेरा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। कहते ना आग लगानी, इसको कहते एक्चुअल में आग लगाना। लिटरली ही नेल्ड इट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि ही बिलोंग्स फ्रॉम कराची। उन्होंने स्टार्टिंग करी कि ऐसे कि मेरा जो जन्म था वो बेसिकली कराची में हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना स्ट्रगल किया, आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, किसी को बोल रहे थे कि लाइक बेसिकली तू बेरोजगार है अभी तक, और मेरे पास भगवान कितनी मेरे पर कृपा है कि मैं मतलब कि जो कराची है ना वो मेरा पूरा है, मेरे को सब जानते हैं अब ऐसा। और उन्होंने कहा कि हिप हॉप में ना मुझसे बड़ा कोई है नहीं, और यार ये हम सभी जानते हैं, ताला अंजुम हो गया, यूनिस हो गया, उनसे सीरियसली हिप हॉप में उनको वो बहुत टक्कर देते हैं, बहुत लोगों को टक्कर देते हैं, ये बोलना तो गलत होगा कि वो ही सबसे बड़े, नहीं, और भी काफ़ी बड़े बड़े रैपर्स हैं, पर हाँ ये भी बहुत अच्छा रैप करते हैं। और सही में मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई, मुझे इनके जितने भी रैप है वो बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि बस कहते हैं ना रियलिटी चेक देना, बेसिकली वो देते हैं इनके रैप्स, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे उसमें, जिस हिसाब से ये बोल रहे थे ना, जिसको भी बोल रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और सबसे अच्छी इनका ये लगता है मुझे कि यार देखो ये ना वीडियो लाते नहीं, इनके बहुत कम गानों की वीडियो होती है, मैक्सिमम की इसमें ऑडियो होती है, फिर भी इनके ये दिल जीतते हैं लोगों का ओनली बिकॉज ऑफ हिज वॉइस, जो कि बहुत कम लोगों में ऐसी ताकत होती है, जो वीडियो होती है यार वो चल पड़ती है, उसमें कुछ चीज़ें होती है वो देख लेते हैं लोग, लेकिन जो बेसिकली ऑडियो होती है वो बहुत कम चलती है। और बेसिकली जो अंजुम और यूनस उनकी सेम उनकी ऑडियो नहीं होती, उनकी बेसिकली वो वीडियो नहीं होती, ऑडियो होती है, उस हिसाब से भी उनकी काफ़ी चलती है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग की इस वजह से। या दूसरा ये बहुत ज़्यादा सिंपल लोग हैं, इन लोगों ने दोनों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, इसलिए इनको ना लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है कि छोटी जगह से आए, इन्होंने कामयाबी हासिल करी, स्टिल इनमें बहुत ज़्यादा से घमंड नहीं है, वो अपने आप को ये सब कुछ नहीं समझते, मुझे इनकी ये चीज़ भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, दैट्स वाई इनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। और चाहे कराची चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया में हो, उनको दोनों जगह बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है। और ऐसे कहते हैं ना कि जो लोग स्ट्रगल करता है अपनी ज़िंदगी में, जो मेहनत करता है, जो बहुत डाउन टू अर्थ होता है, उसकी खुद ही मतलब कामयाबी पैर चूम लेती है, और सेम इन दोनों के साथ हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी, तो तुम्हें कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और तुम लोग मेरा रिएक्शन और इनकी वीडियो में देखना चाहते हो तो मुझे वो भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इनकी और वीडियोज़ पर रिएक्ट करूँगी, तो मुझे ऐसी ऐसी अलग अलग वीडियो सजेस्ट किया करो अच्छी अच्छी, ताकि मैं उनको देखूँ पाकिस्तान के बारे में, और उनके और भी तुम्हें कोई पता है अच्छे अच्छे रैपर्स हो गए, मैं उनको भी मुझे बताया करूँ, मैं उनके ज़रूर लाऊंगी, उनके रैप पे भी रिएक्ट करूँगी। तो यार यही था रिएक्शन, अगर तुम्हें रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो तुम नोटिफाई हो जाओ। तो मिलती हूँ कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।